हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज बैक डिजाइन कैसे बनाएं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए, मैं ब्लाउज और लाइनिंग दोनों कट कर लिए, मैं आपको ब्लाउज की साइज बताती हूँ। देखिए ब्लाउज की जो लंबाई लेंगे, देखिए ब्लाउज की जो लंबाई ली हमने 14.5 इंच ली है, और देखिए ब्लाउज में हमने मार्जिन लिया है 1.5 इंच का, इसे हम अंदर फोल्ड कर देंगे। और ये हम 42 साइज का बना रहे हैं, तो डबल फोल्ड में 10.5 इंच लिए, 2 इंच हमारा मार्जिन है इसमें। शोल्डर हमने 6 इंच लिए, मोटे भी 6 इंच लिए, और उसमें हमने 1.5 इंच की गुलाई दी है। ब्लाउज और लाइनिंग दोनों सेट कर लिए, शोल्डर से 2.5 इंच में निशान लगा लेते हैं, और इसकी जो लंबाई लेंगे वो हम 9 इंच लेंगे इस तरह। और देखिए ऊपर से हम इस तरह किस तरह सेम से हम कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह हमने कट कर लिया है, और देखिए नीचे यहाँ पे हम फ्रिल डालेंगे, उसके लिए हम पट्टी कट करेंगे। देखिए फ्रिल के लिए हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। देखिए इस तरह, देखिए जो हमारा नेक का ड्राफ निकला था, इसकी चौड़ाई लेंगे हम 2 इंच लेंगे, स्ट्रेट कट कर लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो हम 2 इंच लेंगे। इस तरह मैंने कट कर लिया है, इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे, और इस तरह फोल्ड करेंगे, और इस तरह हम पट्टियां तैयार करेंगे। देखिए इस तरह मैंने सारी पट्टियां कट कर ली है। देखिए नीचे ब्लाउज मैंने सीधा रखा है, इसके ऊपर लाइनिंग रखा है, और पूरा नेक हमने सेट कर लिया है, इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह सिलाई लगा दी, इस अंदर फोल्ड कर देंगे लाइनिंग को। देखिए इस तरह मैंने पलट लिया है, इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे हम। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है, अब नीचे फिनिशिंग और प्लेट डालेंगे हम। देखिए हमने नीचे फिनिशिंग दे दी है, और प्लेट भी डाल दी, जैसे नॉर्मल हम 4 इंच लंबी प्लेट डालते हैं। देखिए जो हमने पट्टी कट की थी, इसे इस तरह डबल फोल्ड करेंगे, और इस तरह हम फ्रिल डालेंगे। देखिए इस तरह मैंने पट्टी तैयार कर ली है, और देखिए यही पट्टी जो मैं कट की थी, इस तरह फोल्ड करेंगे इस तरह, और इस तरह सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह मैंने सारी पट्टियां तैयार कर ली, हम ब्लाउज में अटैच करेंगे इसे हम। देखिए जो पट्टियों में तैयार की है, इसे हम इस तरह ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। देखिए बीच में 1 इंच का गैप देंगे हम। देखिए इस तरह हमने एक साइड में 6 लगा लिए, और देखिए इस साइड हम फ्रिल लगाएंगे जो मैं तैयार की थी।
देखिए इस तरह हमने नीचे फ्रिल लगा दी, इस साइड में हम पट्टी लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने पट्टी लगा ली है। अब देखिए हमने गोल्डन कलर की लेस ली है, इस तरह पूरे में लेस लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने लेस लगा दी है और डबल सिलाई भी लगा दी है, देख सकते हैं हमारा पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। देखिए हमने नीचे फिनिशिंग दे दी है, प्लेट भी डाल दी दोनों, और देखिए हमने लेस भी लगा दी है, पट्टी भी लगा दी है, तो देख सकते हैं कितना सुंदर फॉर्म है ब्लाउज का। इस आसान तरीके से भी सुंदर से ब्लाउज बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर।